एएल धवन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म उठाला एवं शोक सभा का आयोजन गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय एएल धवन की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एवं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज, रिटायर्ड जज एनके सूद, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, सतपाल बठल्ला, कुलदीप भगत, प्रोफेसर विपन झांझी, राजेश ज्योति, अजय जोशी, अजय चोपड़ा, डॉक्टर सतीश शर्मा, डॉक्टर आतिमा शर्मा, डॉक्टर पवन गुप्ता, अश्वनी शर्मा, दीवान अमित अरोड़ा, बीके जोशी, रजनीश शर्मा, सुरेश लूथरा, सुखदेव लाल, रेखा कालिया भारद्वाज, वीके भारद्वाज, रमेश शर्मा, प्रदीप भंडारी, विपन शर्मा, रमन पब्बी, डॉक्टर सुषमा चावला, कुलवंत शर्मा, विभा शारदा, रविंदर धीर, संदीप नारंग, सुभाष सूद, रवि महेंद्रू और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी निर्मला धवन, डॉक्टर अजय सरीन, सीए अशोक सरीन, पुनीत धवन, मीरू धवन सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय एएल धवन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पारिवारिक सदस्यों के साथ संवेदना प्रकट की। वो अपने आप में एक उनका जीवन जो है एक संपूर्ण जीवन था। अगर हम देखें कि एक सामान्य परिवार में सिमटते हुए उन्होंने अपने जीवन में अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्य प्रायणता, कर्मठता और तन्मयता से जीवन की उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया जो एक व्यक्ति अपने जीवन में संजोता है। उन्होंने BA LLB की परीक्षा पास की और अपने कार्य क्षेत्र में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें भी वो कार्यरत थे, उसमें उन्होंने जोनल मैनेजर के पद से पद पर पहुंचे और एक नई बुलंदी पे अपने कर्मठता के कारण उन्होंने कार्यभार लिया। और अगर हम सामाजिक जीवन में देखें तो समाज में चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण के कार्य में उनका योगदान सराहनीय रहा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कर्मठ कार्यकर्ता की भूमिका निभाई और समाज निर्माण में अपना योगदान देना ये उनकी एक विशेषता रही। वर्ष 1990 में रिटायर होने के उपरांत वह लगातार समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे। अपने परिवार को उन्होंने एक आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श भाई और सभी रिश्ते को पूर्ण तन्मयता से निभाया और परिवार को कुछ आदर्शों पर चलने के संस्कार, समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा, रोजगार की भावना से कूद कूद कर अपने संतान को कर परिणाम स्वरूप आज उनकी संतान उनके आदर्शों पर चलकर अपने अपने पदों पर समाज कल्याण की अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और ऐसी आशा है कि सदा ही उनके आदर्शों को जीवित रखेंगे। मैं डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी नई दिल्ली एवं लोकल एडवाइजरी कमेटी तथा HLB की परिवार की तरफ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना से परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ तथा परमात्मा इस अकस्मात असहनीय दुख सहने की परिवार को शक्ति दे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और सभी की ओर से उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम तो कभी भी उनके साथ स्वर्गीय नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका जो कार्य था, जो उन्होंने इतना कर्मठ कार्य किया, स्कूल के लिए मेहनत की और आज हम जलंधर में जो जितने स्कूल और प्रांत का कार्यालय हमारा बना हुआ है, ये सब धवन जी की देन है। वो कि जर्रो मेरे हर गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तल छोड़। बहुत
लंबी पहचान थी। जिस क्षेत्र च भी गए अमिट छाप छड़ी। वेबसाइट के तौर पर देखिए कहते कि बिगनिंग इज ऑलवेज स्मॉल लेकिन एंड शुड बी बिग। LIC के विच असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत की थी लेकिन जोनल मैनेजर के तौर के उत्ते नौकरी शुरू है। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड समाज सेवा। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो बाल्यकाल में जुड़ी हुई थी तो उन्होंने सेवा का माध्यम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रूप में मुस्कुरा चेहरा और एक बहुत ही निष्ठावान व्यक्तित्व के धारनी समाज को लगातार अपनी सेवाएं दे रहे और मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने शायद अपने आरंभ तो ही अपने मन मस्तक के विच समर्पण का दीवा बालिया होया सी। उस दीवे के सदका उन्होंने सदा अपने आप को इस समाज के कर्मों के नाल जोड़ रखा और सब तो वध योगदान शायद जेड़ा मैं एक गल इत्थे बहुत सारी गल्लां उन्हां दे बारे दे विच तुसीं जान चुके हो ऑलरेडी जानते हो। मैं सिर्फ एक कहना चाहांगी कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण दे विच जेड़ा अपना योगदान पाया सी उहनूं सचमुच नतमस्तक हां जिसकी एक खूबसूरत मिसाल हम साडे अपने प्रिंसीपल मैडम अजय सरीन और अज जदों मैं उन्हां नूं एक बहुत हमेशा मजबूत थम दी तरह देखिया है लेकिन जो अज उन्होंने कहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੇਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ CPS ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ।